आइए आज हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, फंक्शन एफ एक्स is said to be continuous at x is equal to a of its domain if and only if limit x tending to a f of x is equal to f of a, and this is should be equal to finite, ये finite number होना चाहिए, finite quantity, this is should be finite quantity, that is limit x tending to a minus f of x left hand limit is equal to limit x tending to a plus f of x, this is right hand limit is equal to value of function at x equal to a, and this should be equal to finite quantity। अदरवाइज़ एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू इसकी वैल्यू इनफाइनाइट और इसकी भी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए, तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन इज आल्सो इनफाइनाइट, तो इन सब के वैल्यू क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये इन सब के वैल्यू इक्वल है तो कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन, लेकिन इस केस में कंटिन्यूस नहीं होगा, एक फाइनाइट क्वांटिटी होना चाहिए। फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब जैसे कि 2, 5, 6, 7 -10 -15 एंड सो ऑन, दीज आर फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब एक डेफिनेट नंबर होना चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स is given by f of x is equal to sin x or upon x or plus cos x, x is not equal to 0 and this is true if x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0। ये हमको शो करना है कि गिवन फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम जानते हैं, क्या फाइंड करेंगे, LHL, RHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम हो गई तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। तो अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू, देखिए लिखा हुआ है कि
कि x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जब x इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो उस केस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, टू, यहाँ पे टू लिखा हुआ है। तो f ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हो गया टू। अब फाइंड आउट करें लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल एट x इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके लिए लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस f ऑफ x। ये आप समझते होंगे कि हम लोग क्लास 11th में लिमिट चैप्टर में लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते थे, सेम प्रोसेस वही यहाँ पर भी होगा। तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f ज़ीरो माइनस h। ज़ीरो माइनस h का मतलब एफ एच। तो ये हो गया इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f माइनस h। तो अब ये वैल्यू यहाँ से वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा कि लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, और यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये होगा साइन माइनस h और अपन माइनस h और प्लस कॉस माइनस h। अब क्या होता है, कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस आगे आ गया। तो इज इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, ये हो गया माइनस साइन h और अपन माइनस h। तो माइनस माइनस कैंसिल इज इक्वल टू प्लस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। तो दिस विल बी कॉस h। अब हम वैल्यू पुट कर दें तो अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट इस पे भी अप्लाई होगा और इस पे भी लिमिट अप्लाई होगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए जब लिमिट इस पे अप्लाई होगा तो 11th का एक फार्मूला था कि साइन लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो साइन x अपन x, तो इसकी वैल्यू 1 होती थी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो गया 1 + 1 तो इज इक्वल टू 2, यानी एल एच एल की वैल्यू आ गया 2। अब आर एच एल इसको इरेज करके हम ऊपर लिखते हैं। देखिए आर एच एल राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ज़ीरो, तो ये होगा दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f क्या होगा, 0 प्लस h, और 0 प्लस h मीन्स एफ एच। तो लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो f h। अब ये वैल्यू ये एफ एच जो है इस फंक्शन से फाइंड आउट करें। तो ये लिखा है कि लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो और ये होगा साइन h और अपान h और प्लस कॉस h। तो फिर लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट इस पे अप्लाई होगा और इस पे अप्लाई होगा। तो जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये होगा इसकी वैल्यू 1, अभी यहाँ पे आप देख चुके हैं। इस पे अप्लाई करेंगे तो कॉस 0 के वैल्यू 1, तो फिर अगेन हमको क्या मिला, 1 + 1 दिस इज 2। तो अब आपने देखा कि एल एच एल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो दिस इज इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ ज़ीरो दिस इज इक्वल टू 2। हेंस वी कैन से दैट क्लियरली कि एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट ज़ीरो, बोथ मतलब ये सब की वैल्यू 2 आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू ज़ीरो, देयर फोर फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरीके से हम जो है और भी क्वेश्चन
नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो अब इस लेक्चर में इतना ही, और रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो आप सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। थैंक यू सो मच।